लड़कियों के सेक्सुअल रिलेशन को लेकर हाईकोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। लड़कियों को खास तौर पर दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि लड़कियां अपने गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्जिनिटी या कुंवारेपन को भंग ना करें। छोटे उम्र में संबंध बनाना किसी भी लड़के या लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना ही लड़के या लड़की के लिए अच्छा है, ना ही उसके करियर के लिए ये अच्छा होगा। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एक नाबालिग लड़के के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए युवा लड़के और लड़कियों के लिए दिशा निर्देश की है, जिसमें एक नाबालिग लड़की और एक नाबालिग लड़का दोनों ने सहमति से सेक्सुअल संबंध बनाए। फिर नाबालिग स्थिति में संबंध बनाना अपराध होता है और इसीलिए इसे अपराध की श्रेणी में मामला दर्ज हुआ है। इस पर निचली अदालत ने लड़के को 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब इसी मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये बात कही है कि लड़कियां अपनी गरिमा को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और सेक्स की इच्छा को नियंत्रण करें तो समाज बेहतर हो सकता है। कुछ टाइम के लिए सुख के लिए और आनंद के लिए पूरी जिंदगी को दांव पर लगाना बिल्कुल उचित नहीं है और माना किया शारीरिक आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ समाज, परिवार और खुद की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना लड़कियों का दायित्व बनता है। कोर्ट ने लड़कियों से आग्रह किया है कि वो अपनी सेक्सुअल इच्छाओं पर कंट्रोल रखें और 2 मिनट के आनंद में ना पड़े। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेक्स की इच्छा को कंट्रोल रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि समाज की नज़रों में जब लड़कियां सिर्फ 2 मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वो हार जाती हैं। और पीठ ने यह भी कहा कि वह युवा लड़कियों का कर्तव्य है कि अपने शरीर की अखंडता, गरिमा और आत्मसम्मान के अधिकार की रक्षा करे। और इसके साथ ही ये कहा गया कि लड़कों को लड़की की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और अपने दिमाग में महिलाओं का सम्मान देने की बात लानी चाहिए। देखिए, जिस तरह से कि देखा गया है कई बार कम उम्र में जो लड़के लड़कियां होते हैं वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं, इसको लेकर अब हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है और इसी पर टिप्पणी पर बात करते हुए कहा है कि लड़कियां जो होती हैं उन्हें अपने सेक्सुअल पर, अपने अखंडता पर, अपनी गरिमा पर, अपने आत्मसम्मान के उनकी अधिकार है और उनकी रक्षा करना उनके लिए बेहद ही ज़रूरी होती है। और देखिए, पिछले साल एक सेशन कोर्ट में नाबालिग लड़की को अपने रोमांटिक पार्टनर जो कि नाबालिग के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी और इस सुनवाई के दौरान लड़की ने अदालत को बताया था कि वो अपनी मर्जी से रिश्ते में थी और उसने बाद में उससे शादी कर ली। उन्होंने कहा कि भारत में सेक्स के लिए सहमति की उम्र 18 साल है और उनका रिश्ता ये अपराध है। अब ये भी बात सामने आई है कि स्कूल में एक सेक्स एजुकेशन को लेकर बेहतर एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये बात कही गई है कि जिस तरह से इस मामले से बचने के लिए और कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए स्कूल में बेहतर सेक्स एजुकेशन को शुरू करना चाहिए। और पीठ ने कहा कि युवाओं को बीच सेक्सुअल रिलेशन सामान्य है, लेकिन इस तरह की इच्छा की उत्तेजना व्यक्ति विशेष, शायद पुरुष या महिला के एक्शन पर निर्भर करती है। कोर्ट ने लड़कियों से 2 मिनट के आनंद में न पड़ने का आग्रह किया और कोर्ट ने लड़कियों से यह आग्रह किया है कि वो अपनी सेक्सुअल इच्छाओं पर कंट्रोल रखें और 2 मिनट के आनंद में ना पड़े। कोर्ट ने कहा है कि जो इच्छा है उसे कंट्रोल में रखा जाए ताकि समाज की नज़रों में और ये समाज की नज़रों में अपने परिवार को, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसला हो उसे स्वीकार करें।